हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विंडोज अपडेट को कैसे बंद करते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना पड़ेगा और लिखना है gpedit.msc। और जैसे इसको लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ आप लोग आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर करके आ जाएगा। तो इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको फोल्डर को ओपन करके नीचे आएंगे, विंडोज कंपोनेंट्स पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल के द्वारा दोस्तों इसको स्क्रॉल करिए। और स्क्रॉल जैसे करते आएंगे आपको नीचे मिलेगा विंडोज अपडेट, इस विंडोज अपडेट पर क्लिक करिएगा और कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट पर क्लिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक करिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे थोड़ा समय लेगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे नॉट कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, इसको हम डिसेबल कर देंगे और आपका ये विंडोज अपडेट होना डिसेबल हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका जो है कि विंडोज अपडेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।